दोस्तों कल सीए का मुद्दा जो है वो लगभग क्लियर हो चुका कि सीए देश में लागू हो चुका है और आज जो है हरियाणा में सरकार गिर गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जो नोटिस दिया कि इसको हमें पूरा किया जाए। ये लगातार दो तीन मुद्दे जो दो दिनों से चल रहे हैं, अब इन मुद्दों पे पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है और लोग ये कह रहे हैं, मैं जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 400 का जो नारा था वो हवा होते दिख रहा था, इसलिए मोदी जी ने ये सीएनआरसी का सिगुफा छोड़ा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इसके? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई तत्काल बतावे, हाँ। तो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आनाकानी कर रहा था बताने में, हाँ। और जब डांट पड़ी है उन्होंने कहा कि कल तक ले आओ, हाँ। और उसके बाद जो है, हाँ। चुनाव आयोग में दो, तो ये चीज निर्वाचन आयोग में दो। अब इससे बचने के लिए इन्होंने सीएए लागू कर दिया, हाँ। तुरंत, जिससे कि उधर ध्यान न जाए, ध्यान भटकाने के लिए, हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी चंदा के रूप में भ्रष्टाचार किया गया है, हाँ। वो उसका उजागर न हो, उसके लिए सीएए ले आए हैं और इसको बहुत हाईलाइट किए, तमाम हाईलाइट के। अच्छा, उस मुद्दे को दबाने के लिए ये लाया गया? हाँ, ये लाया गया और जनता के तमाम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, जैसे बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इसे हटाने के लिए ध्यान सीएए की बात कर रहे हैं। सीएए से क्या मतलब है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी करो, समान शिक्षा का अधिकार लागू नहीं कर रहे हो, केवल केवल चुनावी बॉन्ड जो हिंदुस्तान जो चुनावी बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित है उनका दुख नहीं देखा जा रहा है, तो उनको नागरिकता भारत में, वो भारत में आके रहे, कमाए खाए, ये है। नहीं भैया, सबको ले आवे, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं, सबको ले आवे, लेकिन पहले भारतवासियों को सुरक्षित रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूंगा, जब 145 करोड़ में 81 करोड़ गरीब जनता है और गरीबी और बेबसी लाचारी के लिए ले आ रहे हो, आप इस देश को उबारने के लिए ले आओ, इस देश को और मजबूत करो, ले आ रहे हो सारी बातें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, शिक्षा की व्यवस्था करो, स्वास्थ्य की व्यवस्था करो, जो अपने देश में है पहले उनकी व्यवस्था करो। आप यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लाठी डंडों से पिटवा रहे हैं, किसानों की समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं, किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी, MSP लागू करने की बात की थी, वो दे नहीं रहे हो, कील कांटा गड़वा रहे हो, उनको डंडे से पिटवा रहे हो, और नौजवान छात्र नौकरी मांगने आते हैं उनको डंडे से पिटवा रहे हो, तो कहाँ का न्याय है? क्या यही राम राज्य है? राम राज्य में ऐसे है कि आपकी जनता, अरे राम राज्य तभी तो दूसरे देश के जो प्रताड़ित है तभी तो से पिटवाएंगे, उसको डंडे से पिटवाएंगे। आप जो आपकी जनता है आपसे न्याय मांगने आती है, आपसे नौकरी मांगने आती है, क्या उनको लाठी डंडों से पिटवाएंगे आप कि उनको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे? आपको बता दें, MSc, MA, MCom करके, PhD डिलीट करके, DPharma, MPharma करके, BTech, MTech करके सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी मिल नहीं रही। कहाँ रोजगार, बेरोजगार घूम रहे? लोग कह रहे हैं जो पढ़े लिखे होंगे, जो वो लोग उस लायक होंगे, उनको नौकरी मिलेगी। तमाम उस लायक हैं, आपके पास जो नौकरी है उसको, हो सकता है वो नकल मार के पास, उसको भी तो नहीं लागू कर रहे हैं। आप पे बताइए, अभी पुलिस भर्ती थी उसको भी पर्चा लीक हो गया आपकी सरकार में, आप पे बताइए कि कब आप नौकरी देंगे? ऐसे टरकाते जा रहे हैं, टरकाते जा रहे हैं, फिर उस शिक्षा का क्या मतलब है? आप पे बताइए, 10 साल तो आपका सरकार है, 6 साल आपकी सरकार है, इसमें तो नकल नहीं मार के पास हुई है, उनको तो दीजिए, उन बच्चों का क्या होगा जो आप आरोप लगा रहे हैं कि क्या मालूम नकल मार के पास हुए हैं? ये 6 साल से यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार है, 7 साल से, और 10 साल से वहाँ, तो आप ही बताइए, तो ये बताइए कौन नकल मार के पास हुआ? BTech, MTech करके जो बच्चे बेरोजगार, उनका दंश समझिए, तो उनकी तकलीफ तो समझिए, उनके आप सरकार की तकलीफ नहीं समझ रहे, सरकार आपकी तकलीफ समझे। सरकार की तकलीफ हम समझ रहे हैं, हाँ। सरकार ये चाहती है कि यहाँ हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, NRC करके चुनाव जीत जाए और फिर जो चाहे वो करे, वो जनता को गुलाम बनाना चाहती है, वो जो चाहे वो करना चाहे, वो हिटलर शाही सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता है वो हिटलर शाही बर्दाश्त नहीं करती, वो उखाड़ फेंकेगी, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। ठीक जी भाई साहब, इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए, सीए आ गया है, अब नागरिकता लोगों को, बाहरी लोगों को भी नागरिकता मिलेगी, कैसे आप देखते हैं, खुश हैं या नहीं खुश? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एकदम दिल खुश है। कैसे खुश हैं, मतलब क्या है, आपको क्या मिल गया तो ऐसा खुश हैं आप? नहीं, 4-5 जातियों को यहाँ पे नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को अमेरिका का वीजा सरकार देगी,
वहाँ क्या कहते हैं दिला देगी, वहाँ घर दिलाएगी सब। तो उनके साथ धार्मिक वो हुआ है, प्रताड़ना हुई है, वो सताए गए हैं वहाँ पे, इसलिए भारत के अलावा उनको और कहीं कुछ शरण मिल नहीं सकता, कोई वतन नहीं उनका, इसलिए यहाँ। हाँ हाँ, मेन चीज क्या, भुखमरी, गरीबी और सवाल ना पूछने वाली जो अगर कोई देश है सरकार से, तो वो भारत है। कि सरकार से यहाँ पे सवाल नहीं पूछे जाते, चाहे मीडिया के थ्रू हो चाहे आम पब्लिक के थ्रू हो। तो यहाँ पे वैसे ही लोग चाहिए, अंधभक्त टाइप के, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। और जो अभी दादा ने बोला कि लाठी पड़ती, सही पड़ती है, तुम रोजगार मांगने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं, क्योंकि तुमने सरकार ऐसी चुनी है। जब तुम उससे सवाल नहीं पूछ सकते हो तो तुम उससे रोजगार क्यों मांग रहे हो? खुद के अंदर ताकत होनी चाहिए सरकार बनाने की। आत्मनिर्भर मतलब लोग बने, आत्मनिर्भर बने थे ना लोग, कोरोना काल में लाश लेके ढोए हैं कंधे पे, इससे बड़ा आत्मनिर्भर भारत क्या? लाश खुद में क्या कहते, पानी में डूब के सड़के जल गई, सड़के खत्म हो गई गंगा में, कुत्ते नोच के खा गए, लाश खुद में आत्मनिर्भर हो गई। क्या हमें किसी को मतलब किसी तरह से जलना नहीं पड़ा ना दफन होना पड़ा, आत्मनिर्भर लाश हो गई। आत्मनिर्भर और क्या होगा, बच्चे जो पढ़ रहे थे वो आत्मनिर्भर हो गए कोरोना काल में, कि घर में बैठो और उसके बाद चलो ड्यूटी करो, प्लेटें धो, बर्तन धो, चल के एजुकेशन चली गई, आत्मनिर्भर हो गए। इस तरह का आत्मनिर्भर भारत चाहिए? 80 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पे है, जिनको राशन मिल रहा है 150 रुपए महीने का, ये आत्मनिर्भर भारत है? तो अचीवमेंट उसको सरकार देख रही है, ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट उसे कहते हैं जब विदेशों में हमारे यहाँ के नागरिक जब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, विप्रो जैसी, गूगल जैसी, और क्या कहते हैं आपके नासा जैसी, यहाँ पे 33% भारतीय हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। इससे हमारी क्या कहते हैं शान बढ़ती है, इससे शान नहीं बढ़ती कि हम 80 करोड़ लोग 150 रुपए के अनाज पे बिके हुए हैं, अब भुखमरी की कगार पे 110वें पायदान पे है। आप लेके तो 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार राशन मुहैया करा रही, इसको आप अचीवमेंट नहीं देते? नहीं, आप रोजगार दे दो, उनके अंदर ताकत होगी, खुद खरीद के खाएंगे, रोजगार दे दो ना। आप 150 रुपए का राशन महीने का दे रहे हो, आप 300 रुपए का रोजगार रोज का दे दो, आदमी खरीद के खा लेगा ना, हमें जरूरत ही नहीं है, शिक्षा फ्री कर दो। एक सवाल और ले लेते हैं, हरियाणा के अंदर जो उथल पुथल हो गया, सरकार इधर उधर हो गई, खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया या दिला दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? नाव डूबने से पहले चूहे भागते हैं, तो ये चूहे हैं, निकल के बिल से भाग रहे हैं। आप एकदम 400 पा रहे हो, फिर पूरा कोई टिकट वापस कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री मोदी जी देखिए, अरे देखिए जो ट्रेंडिंग चल रही, मेरा परिवार 400 पार ट्रेंडिंग, तो ये भी चला था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर का भी तो ट्रेंडिंग चला था है? मोदी जी फिर उस समय तो वो भी ट्रेंड चल गया था ना, कि क्या मोदी जी के लोग समर्थन में चला दिए थे, खुद भी चौकीदार बन गए थे। एक क्या कहते हैं जज होके चौकीदार, मैं भी चौकीदार बन के उस पद की गरिमा को नीचे गिरा दिया। अरे मतलब वो देश के चौकीदार, देश मतलब के चौकीदार, चौकीदार नहीं जो कैसे भाग गए, कैसे भाग गए 35 करोड़ का मालिया से चंदा लेके, जो चेक एक वायरल हुई थी याद होगा, उसी तरह के चौकीदार ना, ये पैसा दो और निकल लो। तो क्या लगता है 24 में आपको, 24 में एनआरसी किस लिए लाया? ये चुनावी स्टंट है, सिर्फ चुनावी स्टंट है, और ये राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण है, इसमें किसी भी देशवासी का कोई भला नहीं होना। इसमें अगर भला होना हो तो आप बता दो, एक भला आप बता दो, अपने भला तो भाई साहब बताएंगे, अपने हिंदुस्तानी भाइयों की। आपको कोई भला लग रहा है भैया? देखिए भाई साहब, मेरा नाम इरकान अली, युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल अमरोहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता। अरे आप तो फिर बीजेपी के आदमी हो गए ना? नहीं, बीजेपी के एनडीए के लोग हैं, हमारा घटक दल है बीजेपी। सीए का क्या कैसे देखते हैं? देखिए सीए का क्या देखते हैं हम, सीए में जो लोग हमारे भारत में शरणार्थी के रूप में आए थे, उन लोगों को नागरिकता देने का काम सीए करेगा। फायदा क्या है उससे देश को? उससे जो हमारे देश में शरणार्थी रह रहे हैं, उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का अधिकार मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लोग कह रहे हैं कि चलिए जो प्रताड़ित हुए हैं तो मानवता के आधार पर उनको मिल जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब भारत में पहले से ही जो 2 करोड़ का रोजगार का वादा है उनको मिल नहीं रहा, और कहीं 2-4 हजार नौकरियां मिल रही, वहां पेपर लिख जा रहा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डंडा खा रहे हैं, तो जब भारत के अंदरूनी मामले में ही इतना लोग प्रताड़ित हैं, तो पहले उनकी प्रताड़ना का तो संवेदना रखी जाए ना। जो भी तो लाखों करोड़ों युवा जो यहाँ एनडीए गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी हो रही है, नंबर एक में हो रही है, कितने वैकेंसी हुई है, किसी भी तरह की कोई वैकेंसी में खामी निकलती है, तो ऐसा उत्तर प्रदेश में या भारत सरकार द्वारा अगर ऐसा कोई कार्य किया गया किसी के द्वारा, तो उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 3 पुस्तें भी याद रखेंगी। अरे 10 साल हो गया, बैठ के खाएंगे, मतलब नहीं नहीं 3 पुस्तें बैठ के खाएंगी। और रही बात, रुक जाइए बड़े भाई, एक रही बात
गवर्नमेंट की। देखिए एनडीए सरकार इस बार 2024 में वैकेंसी कितनी दी है विकास के नाम पर, देश को आर्थिक, अच्छा विकास का फॉर्मूला विकास के नाम पर, और देश को सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और इस बार आगे बढ़ गया, 400 पार एनडीए सरकार जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनेगा। जाना नहीं, आपने बोला कि नौकरियां दे रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार नौकरी देती है, पेपर लीक करा देती है। केंद्र सरकार एक भी वैकेंसी दी हो 10 साल में ये बता दो, 10 साल में एक 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 नौकरी बताओ 10 साल में केंद्र की, केंद्र की बताओ, क्यों नहीं बताओ, एक बता दो। अग्निवीर योजना परीक्षा योजना, सुनो सुनो सुनो, अग्निवीर योजना का इनको मालूम नहीं है कितनी तनख्वाह मिलती है अग्निवीर वालों को। नहीं सैलरी, ये तो गवर्नमेंट का, कितने साल की नौकरी है, कितने साल की नौकरी है, कितने साल की नौकरी है, 5 साल की है, 5 साल की है, 5 साल की है, 1 साल नहीं, नहीं 4 साल की नौकरी है। आपको पता भी नहीं अच्छे से, आप अग्निवीर का समर्थन कर रहे हैं। इंश्योरेंस कितना है उसमें, नहीं वो, अरे इंश्योरेंस कितना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, अरे यार अग्निवीर योजना, रेगुलर 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 आर्मी को कितना इंश्योरेंस है, वो मेरी जानकारी में नहीं। उसके बाद नौकरी है, नौकरी है कि नहीं है उसके, अगर मृतक आश्रित में, मृतक आश्रित में नौकरी है या नहीं है, मृतक आश्रित में नौकरी है अग्निवीर को है या नहीं, नहीं। बाप से पहले बेटा रिटायर हो जाएगा उसमें तो, है 4 साल की नौकरी में कितना पैसा दे रही गवर्नमेंट, 4 साल की नौकरी में कितना पैसा दे रहे है? वो तो मैंने अभी बताया था ना भैया, खाने में चमन परास नहीं, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गोबर खा के जिंदा है तो मालूम नहीं, सिर्फ वाहवाही करते जब ज्ञान हो तब उस चीज के बारे में बोले। मैंने सिर्फ पूछा एक वैकेंसी बता दे, तो ये अग्निवीर योजना गिना रहे हैं, भर्ती नहीं गिना, उसका लोग विरोध कर रहे हैं भैया, जो रेगुलर अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है, देश का युवा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको। नहीं देश का युवा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है, आदमी गोली खा के मरने के लिए तैयार है, गोली खा के मरने के लिए तैयार है, इतनी बेरोजगारी है। और कंप्लीट हुई, वैकेंसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, वैकेंसी अग्निवीर योजना वैकेंसी कंप्लीट हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, अग्निवीर योजना कंप्लीट हुई नहीं हुई, और उसके बाद रिटायर होने के बाद भाई साहब, रिटायर होने के बाद भी उन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का काम किया जाए, क्या परसेंट लोग को उसमें, क्या परसेंट लोग हैं एडजस्ट करने का काम किया जाए, परसेंट बाकी क्या परसेंट, अपना बताओ यार, क्या परसेंट, आपको कुछ पता नहीं है, क्या परसेंट लोगों को सेटल करेंगे आप, जो अभी 4 दिन हुआ है बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं,